ऐसे लगते हैं जब भी हम जीरो आते हैं, बारिश आता है। ओ गाइस, ये है हिजा का खूबसूरती। और ये देखिए गाइस, ये खेत में क्यों लगाया जाता है। चलते चलते गाइस, ये देखिए यहाँ का जीरो का लाई पत्ता। यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनती है। वाह, ये देखिए कुछ इस तरह है। ये लोग भी ये सब काम करके अपने घर के ओर लौट रहे। ये पेड़ को कुछ इस तरह से एरो का डायरेक्शन में बना के रखा है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वक्त है हम जीरो और हम फैमिली के साथ आया है यहाँ पे। हम लोग यहाँ आया है नुपु अपिन के लिए, यहाँ हम लोग आया है। सो आप लोग को दिखाते हैं यहाँ कुछ, यहाँ का व्यू हिजा का। आप लोग सो बने रहे वीडियो में। ये देखिए हम लोग हिजा में हैं अभी। पाइन ट्री का पेड़ बहुत सारा है, सब का सब पाइन ट्री का पेड़ है, बहुत ही खूबसूरत है। और इस वक्त हम फैमिली के साथ थोड़ा सा यहाँ का कुछ नज़ारा देखने के लिए निकले हैं। आगे क्या क्या है यहाँ। ओ गाइस, मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, आप लोग ज़रूर आइए अपना फैमिली के साथ या फिर अपना दोस्तों के साथ, आइएगा ज़रूर। खूबसूरत जगह है, यहाँ बहुत सारा लेक भी है और बहुत सारा रिजॉर्ट है, आप वहाँ का भी लुप उठा सकते हैं। और ये देखिए गाइस, ये खेत में क्यों लगाया जाता है, यहाँ से पानी भी निकल रहा है। ये इसलिए कि यहाँ जब खेती करता है उस समय को, ये जो खेत है इसमें सारा मच्छी चोर देते हैं, सो मच्छी यहाँ से भाग ना पाए इसके लिए ये बंद किया जाता है और पानी यहाँ से होके यहाँ ट्रांसफ़र होता है। आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ ट्रांसफ़र होता है और यहाँ मच्छी पूरा खेती में वो लोग मच्छी भी डालते हैं। चलते चलते गाइस, ये देखिए यहाँ का जीरो का लाई पत्ता जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ही टेस्टी होता है और प्योर ऑर्गेनिक तरीका से उगाता है ये लोग। देखिए खाद वहाँ है, गोबर है, कोई यहाँ मेडिसिन यूज़ नहीं करते ये लोग, इसलिए यहाँ का लाई पत्ता बहुत ही ज़्यादा फेमस है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है यहाँ का लाई पत्ता खाने। एक्चुअली मैं ये, हमको लगा था कि ये फिश पॉन है, तो मेरा वाइफ जो है बताया ये कोई पॉन नहीं है, इसमें खेती किया जाएगा, इसके लिए पानी को यहाँ अभी घुसा के रखा गया है। और वहाँ देखिए, वो देखिए, ये देखिए यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनती है। वाह, कुछ इस तरह है, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़। काश यहाँ धान सीजन में आता, जब ग्रीन ग्रीन हरियाली होता है तब बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता। और जून जुलाई देवी फेस्टिवल का समय ना, तब बहुत सुंदर होता। देखिए मेरा वाइफ जो है कि बता रहे यहाँ में जून जुलाई देवी फेस्टिवल के समय में आना चाहिए, तब बहुत हरियाली होता है बोले। देखते हैं, एक बार जरूर आएंगे, आके एक वीडियो बनाएंगे। और मेरा वाइफ जो है यहाँ जीरो से बिलोंग करता है, सो मुझे यहाँ के बारे में इतना कुछ पता नहीं है। मेरा वाइफ को बहुत कुछ पता है, धीरे धीरे इससे ही कुछ सीखेंगे, यहाँ के बारे में कुछ जानेंगे और दिखाते हैं आप लोगों को आगे क्या क्या है। ये देखिए गाइस, यहाँ में भी है एक बड़ा सा जो कि कुछ इस तरह है, यानी यहाँ से मच्छी पार नहीं होगा, खेती करते समय यहाँ मच्छी चोरा जाएगा। ये सब में मच्छी चोरने के बाद जो है कि मच्छी यहाँ से भाग ना जाए, इसके लिए यहाँ में इस कुछ इस तरह से बंद किया जाता है। ये देखिए बहुत ही शानदार। और ये देखिए, इसे हम लोगों का लैंग्वेज में कहा जाता है नासुंग, और आप पतने में कहते हैं नेसु, नेसु जहाँ दान स्टोर किया जाता है। अच्छा,
थोड़ा बहुत कुछ कुछ सीखना पड़ेगा लगता है वाइफ से। वहाँ पे जो है धान काटने के बाद इकट्ठा वहीं करता है ना, और शायद जब धान नहीं निकलते खेती के समय वहाँ रेस उस भी वहीं होते है ना। नहीं, वो अलग होता है। उसको पिन्नी बोलते हैं। पिन्नी जो छोटा सा घर बना के खेत में बारिश वारिश का समय लंच करते। अच्छा, सो गाइस थोड़ा बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, ठीक है, सीखते हैं धीरे धीरे, और आप लोग भी कुछ सीख लीजिए आप पतानी से कि इस घर को क्या कहते हैं, खेत का बीच में जो है। अच्छा, ये आप पतानी लैंग्वेज में खेती को क्या बोलते हैं? हम लोग खेत को अजी कहते हैं। अजी, हाँ। अच्छा, चलिए आगे और कुछ कुछ सीखते हैं। अच्छा, ये जीरो में झूम खेती नहीं होता है ना? नहीं, हमारे यहाँ पानी खेती किया जाता है। झूम खेती नहीं करने का कुछ वजह, कुछ कारण है या ऐसे ही नहीं करते? नहीं, ऐसे तो हम लोगों को पहाड़ खेती करने की जरूरी नहीं है, क्योंकि पानी खेती में हमारे बहुत फर्टाइल है, वहाँ अच्छा उपजाऊ होता है। अच्छा, तो बस इसलिए ना पानी खेती ही करते हैं ना। हाँ। और गाइस, अब लोगों ने सुना है यहाँ में पानी खेती करने का कारण क्यों है, और हम लोगों का वहाँ में एक्चुअली पानी खेती नहीं करने का कारण है, करता है करने में, बट हम लोगों वहाँ में इतना सारा प्लेन एरिया नहीं है, ज़्यादातर हिल्स ही है, तो इसलिए हम लोग वहाँ झूम खेती ही होते हैं। ये देखिए, ये लोग भी सब काम करके अपने घर के ओर लौट रहे, सब जंगल या खेत से ही लौट के घर जा रहे हैं। और गाइस, सबसे इंटरेस्टिंग आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए, आप लोगों को थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, ये पेड़ को कुछ इस तरह से एरो का डायरेक्शन में बना के रखा है, शेप दिया हुआ है काट कूद के, बहुत ही खूबसूरत है, नेचुरल है, नेचुरल है। तो कौन काटेगा उसको? वो गाइस, वो भी नेचुरल ही बोलता है, लगता है जीरो में भगवान कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हो गया। ये देखिए गाइस, ये भी एक कुछ सब्जी है बोलते है, जंगल सब्जी, नाम क्या है बोला है? मेपी हमा। मेपी हमा मतलब ये क्या, हमा मतलब पत्ता सब्जी, सब्जी को कहा जाता है हमा। हाँ, हमा। और सुनिए गाइस, सब्जी को कहा जाता है अपतनी लैंग्वेज में हमा। हाँ। और मेपी उसका नाम है ना। अच्छा। हाँ। हम तो सोचे कोई इंसान का नाम है क्या मेपी, सो कोई नहीं, मतलब होता है एक्चुअली, पूरा जीरो ही ऐसे है, बहुत ही खूबसूरत जगह भी है, यहाँ के लोग भी बहुत ही खूबसूरत है, और यहाँ के लोग बहुत शांत भी है, इसलिए यहाँ बहुत ही अच्छा लगता है हमको भी आने के लिए, और बहुत ही ज़्यादा मेहनती है यहाँ के लोग, आप देख सकते हैं, इस लोग इस वक्त अपने खेत से लौटते वक्त अपना घर के लिए लकड़ी भी भूख के लेके जा रहे हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही मेहनती है। और एक सब्जी है आप लोगों को दिखाता हूँ, और उसका नाम जानते हैं, सो देखिए गाइस, ये देखिए वो ये सब्जी है। अच्छा, ये क्या सब्जी है, सब्जी का नाम पदहमा बोलते हैं। पदहमा। तो ये इसका स्वाद जो कुछ ऐसा होता है जैसे कि क्या कहेंगे उसको, लेटेस्ट सब्जी जो थोड़ा जाल हल्का सा होता है। हाँ। खाने में बड़ा स्वादिष्ट होता है। अच्छा। जिसको हम पिला का साथ दुबा दुबा। अच्छा, इसको कच्चा ही खाया जाता है? हाँ, इसे कच्चा खाया जाता है। और पका के? पका के वो तो आपके ऊपर है, आप खाना चाहो तो बोल सकते हैं। ऐसे तो यहाँ में मतलब कच्चा ही खाया जाता है ना, इसे धोकर एकदम पिला जो हम बनाते हैं पिला के साथ डिप करके खाया जाता है। अच्छा, आप लोगों ने देखा ये सब्जी जो बताया है उसे कच्चा पिला के साथ दोबारा खाता है बोला है, सो मैं भी ज़रूर ट्राई करना चाहूँगा। और ये देखिए, प्रोग्राम यहाँ हुआ था और कचरा को अभी साफ करके पूरा जलाया जा रहा है कुछ इस तरह से, और ये आने अभी खेती से घर वापस जा रहा है। ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा मेहनती है यहाँ के लोग, जो कि मैंने पहले भी कहा था,
और ये इधर है ताबियो बगान, ताबियो ही ताबियो है। ये देखिए, ये है ताबियो, ये है ताबियो, कुछ इस तरह दिखता है। ये देखिए, वाह बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिए, यहाँ दूर दूर तक आपको देख सकते हैं, आपको देखा ही मिल रहा होगा, ताबियो ही ताबियो है। वाह। सो गाइस, ये वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज का हम लोग का ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।